एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट कॉफ़ी केक। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसा लगा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इट्स सो डिलीशियस एंड सो यमी, तो आप लोग ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और बेकरी में जाना छोड़ दीजिए। चॉकलेट कॉफ़ी केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, मैदा मैंने लिया है 4 कप, ये मैंने चीनी ली थी 1 कप और इसको मैंने पीस लिया था बहुत अच्छे तरीके से। अंडे मैंने लिए हैं 3, जिसमें से मैंने उसकी योक को अलग कर दिया है। घी लिया है मैंने 1/2 कप, आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। मक्खन लेना चाहते हैं तो आप लोग लेंगे 100 ग्राम, लेकिन मैं घी ले रही हूँ जो कि 1/2 कप है। और नेस्ले की मैंने ली है कॉफ़ी, ये है मेरे पास चॉकलेट एसेंस। बेकिंग पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और ये कोको पाउडर है जो कि मैंने लिया है 5 टेबल स्पून। ये अंडे की जो सफेदी थी मैंने अलग करके रखी हुई थी, इसको मैंने लिया और इसको अच्छे तरीके से करेंगे ग्राइंड। इसको हम तब तक ग्राइंड करेंगे जब तक इसकी अच्छी सी झाग बन जाती है। गाइस, ये एक सीक्रेट है जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अंडे को इस तरह से अगर आप ग्राइंड करेंगे तो आपका जो केक है अच्छा फूलेगा। कोई भी नहीं बताता, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी अच्छी सी झाग बन चुकी है, ये सिर्फ अंडे की सफेदी थी। अब इसके बीच में एग योक भी मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छा सा कर लेंगे ग्राइंड। ओके गाइस, ये मैंने अंडा जो था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसके बीच में ये पीसी हुई चीनी है जो कि मैं 2 टेबल स्पून कर करके इसमें ऐड करूंगी और ग्राइंड करती जाऊंगी। एक साथ आपने सारी नहीं डालनी वरना आपका जो केक है वो फूलेगा नहीं। 2 टेबल स्पून डालते जाएंगे और ग्राइंड करते जाएंगे। ओके गाइस, इसको मैंने अंडे और चीनी को आपस में मिक्स कर दिया, अच्छे तरीके से मैंने इसको बीट कर दिया है और आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तक नॉन स्टॉप बीट करते रहना है। ये सिर्फ अंडा और चीनी ही है, मैदा भी मिक्स नहीं किया। 5 मिनट तक बीट करेंगे और उसके बाद ओके गाइस, इसमें मैंने अब चॉकलेट एसेंस ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून और ये जो मैंने घी लिया ये सारा इसमें आ जाएगा और इसको कर लेंगे अच्छा सा ग्राइंड। और ये नेस्ले की कॉफ़ी ये इसमें जा रही है 2 टेबल स्पून या हम इसमें 3 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं। इनको अच्छा सा हमने आपस में मिक्स कर लेना है। ओके गाइस, ये देख लें हमने इसको सारा आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर के बीच में ये मैदे वाला मटेरियल ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से हमने अपने स्पून के साथ ही मिक्स करना है। इसको आपने यहाँ से इस तरह से
इसको मैं राउंड शेप के बीच में ही मिक्स कर रही हूँ स्पून के साथ। यहाँ से आपने इसको बीट नहीं करना, बीट करेंगे तो आपका जो केक है बहुत ज़्यादा थिक बन जाएगा। इस तरह करके ही जो बाकी का मैदा है इसमें ऐड कर देंगे, अच्छा सा इसको मिक्स कर देंगे। जब इस तरह थिक हो जाए तो आप इसके बीच में थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे। ओके गाइस, आप इसका कलर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी हो चुका है और ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब ये जा रहा है बेक होने के लिए 30 मिनट्स के लिए। ये हमारा पैन है और इसको मैंने ग्रीस करके इसके ऊपर ये लगा लिया था बटर पेपर, और इसके ऊपर मैं ये सारा डाल रही हूँ। जिनके पास बटर पेपर नहीं है वो बेफिक्र हो जाएं अपने खाली पैन को ऑयल कर लें और उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लें तो उनका भी केक चिपकेगा नहीं। ओके गाइस, ये मैंने सारा बटर पैन में डाल दिया है, अभी इसको हम ओवन में रख रहे हैं। ओवन मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था, आप 20 मिनट्स पहले इसको प्री हीट के लिए रख दें और अब ये जा रहा है बेक होने के। तो जी गाइस, अब हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट सॉस बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप पानी और उसको मैंने सॉस पैन में डाल दिया। इसके साथ ही मैं इसके बीच में 5 टेबलस्पून चीनी के डाल रही हूँ, आप लोग अपनी टेस्ट के लिहाज से डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर जो कि 6 टेबलस्पून है। कोको पाउडर डालने से इसका कलर बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी है कॉफ़ी और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अभी ये पतला है और इसको हमने तकरीबन 10 मिनट्स के लिए पकाना है लो फ्लेम पे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इतनी गाढ़ी हो चुकी है और इसका कलर देखें कितना मज़े का, फुल डार्क चॉकलेट की तरह का है। गाइस ये देखें कितनी प्यारी हमारी ये सॉस तैयार हो चुकी है, चॉकलेट सॉस, और इसका थिकनेस भी आप लोग देख लें। और इसका और ये जो हमारी सॉस हमने तैयार की थी ये हम केक के ऊपर लगा रहे हैं, जब आपने गरम गरम बनानी है आपने तभी ये लगा देनी है इसके ऊपर। ये हम इस तरह से इसके ऊपर सारी लगा रहे हैं और ये सारी हम सारी इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। ओके गाइस, ये देखिए आपने किस तरह से ये लगानी है कि आपके पूरे केक के ऊपर आसानी से और पूरी ठीक तरीके से लग जाए। ये देखें कितने अच्छे तरीके से सारे केक के ऊपर ये आसानी के साथ लग चुकी है, इट्स सो डिलीशियस एंड सो यमी। ओके गाइस, ये मैंने डेडी मिंट चॉकलेट को क्रश करके रखा हुआ था, ये मैं इसके कॉर्नर्स के ऊपर फैला रही हूँ। मैंने डेडी मिंट चॉकलेट लिया, आप वो लें जो आपको पसंद है, बट आई लाइक दिस चॉकलेट सो आई। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा जरूर और कैसा बना ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके सेंटर में आप लगा दें प्यारे प्यारे से करके बादाम, तो आपको बेकरी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में बनाएं केक, मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर बेकरी में जाना छोड़ दीजिएगा।